हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी होली टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना ही तो किसी डीआईवाई के ऊपर है, ना ही किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर और स्किन केयर। अब जब होली आ रही है और अगर हम लोग होली पे अपने स्किन केयर और अपने हेयर केयर के बारे में बात ना करें तो ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे बालों के साथ भी और हमारे स्किन के साथ भी। तो भाई, होली आ रही है इसलिए हमें स्किन केयर तो करना बनता है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। अब स्किन केयर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी होली खेलने जाएं तो गाइस प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही होली खेलने बिल्कुल ना जाएं। अपने फेस के ऊपर आपको भर भर के मॉइस्चराइजर लगाना है। उससे क्या होगा, जो भी कलर होगा वो आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। तो इसलिए आप भर भर के मॉइस्चराइजर लगाइए। उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। अब भाई, होली आप लोग कमरे में बैठ के तो नहीं खेलोगे ना, होली आपने बाहर ही खेलनी है। तो फिर आपको पता ही है सनलाइट आपके स्किन के लिए कितनी ज़्यादा है, आप बेकार होती है, आपको टैन थोड़े ना होना है धूप में रह के। तो इसलिए आपको मॉइस्चराइजर के बाद अपनी स्किन के ऊपर आपको भर भर के सनस्क्रीन लोशन भी ज़रूर लगाना है। और फ्रेंड्स, हाँ, आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग, हमें पता है कि हम लोग होली खेलेंगे तो हम लोग सिर्फ अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, ये हम लोग अपने कानों को और अपने नेक को, अपने गले को, अपने हाथों को, सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी स्किन के साथ साथ आपको अपने कानों पर भी, अपने नेक के ऊपर और अपने हैंड्स के ऊपर भी आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है। और गर्ल्स, ये सिर्फ आपके लिए है, जिस भी गर्ल्स ने अपने नेल्स रखे हैं ना, जैसे ये मेरे हैं आप देख सकते हैं, तो आपको नेल पेंट लगाना है नेल्स के ऊपर ज़रूर। उससे क्या होगा, नेल्स पे आपका कोई भी कलर नहीं जाएगा। जैसे बहुत से लोग पक्का कलर लगा देते हैं तो वो आपके नेल्स के ऊपर रह जाता है, वो बहुत ही दिनों तक जाता नहीं और बहुत ही अजीब लगता है। तो इसलिए आप पहले नेल पेंट लगा लीजिए। और जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, इसमें आपको वैसलीन लगा लेनी है अच्छे से। आप इसमें वैसलीन लगाइए तो फिर आपके इस जगह पर कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपके नेल्स भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई होली आने वाली है तो एक दिन पहले हम लोग आप क्या कहते हैं ब्लीच करा लेते हैं, आईब्रोज करा लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कराना है आपको। अगर आपने कराना है तो आप 4-5 दिन पहले ये सब कुछ करा लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करा पाए हैं और आपने सोचा है कि कल होली है तो आज मैं ये सब कुछ करा लेती हूँ, तो नहीं, आपने ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कलर आपकी स्किन के ऊपर लगेंगे तो रैशेज हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें भूल जाइए। होली होने के 3-4 दिन बाद आप ये सब कुछ कराइए, लेकिन होली से एक दिन पहले नहीं कराना है। होली से एक हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले कराइए, लेकिन होली से एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं कराना है। गाइस, टू प्रेफर कि आप लोग होली के लिए बिल्कुल ही लाइट वेटेड कपड़े पहने, लाइक कॉटन के गर्म कपड़े नहीं पहने और मोटे कपड़े बिल्कुल ना पहने। जो ज़्यादा हैवी वेट होते हैं वो कपड़े मत पहनिए। लाइट वेट कपड़े पहनने से क्या होगा कि तो वो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और पूरे कवर रखिए अपने ना हाथों को, कोशिश कीजिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट कवर रहे, एकदम खुला खुला ना हो, तो उससे आपकी बॉडी पे कलर भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और लाइट वेटेड कपड़े पहनोगे तो वो जल्दी सूख भी जाएंगे, उनको सुखाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बाद में आपको घिस घिस के अपनी बॉडी को रगड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप ढके ढके कपड़े पहने और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखिए। और गाइस प्लीज़, आप लोग कलर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हर्बल कलर ही यूज़ कीजिए, केमिकल्स बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो पता है ना आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा हार्म होता है। और हाँ, कुछ लोग तो पेंट ही उठा के ले आते हैं, भाई प्लीज़ पेंट यूज़ मत कीजिए। आपको पता है ना आपकी स्किन का क्या हाल हो जाएगा, स्किन कितनी नाजुक होती है, आप उस पर भर भर के अगर पेंट लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पेंट का यूज़ मत कीजिए, हर्बल कलर से होली खेलिए। और हाँ, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है फिर से, इसलिए आप लोग खुद भी सेफ रहिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। इसलिए सेफ्टी के साथ होली खेलिए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और मास्क भी पहन के रखिएगा प्लीज। सो ये तो हुआ स्किन केयर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर में आपको क्या करना है, हेयर केयर में आपको सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। ज़्यादा ऑयल मत लगाइए, होता है ना कि हम लोग ज़्यादा ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल चिपकू लगेंगे, ज़्यादा ऑयलिंग मत कीजिए, हल्की सी ऑयलिंग कीजिए, बट ऑयलिंग जरूर कीजिए। उससे क्या होगा ना, जो भी कलर आप लोगों के बालों में लगेगा वो सीधा बालों के ऊपर ऊपर आएगा, बिल्कुल जड़ों में नहीं लगेगा
और जैसे आप हेड वॉश करेंगे वो आसानी से निकल भी जाएगा। गर्ल्स ये आपके लिए, आप होली पे अपने बालों को खुला मत रखिए, जितना हो सकता है हमको बांध के रखिए। खुला रखेंगे ना तो वो टूटने का भी डर बहुत ज्यादा रहेगा और डैमेज हो जाएंगे कलर लग लग कर। इसलिए क्या करना है आपको, या तो एक बन बना लीजिए या फिर पोनी बना लीजिए या फिर आप छोटी एक बियर्ड बना लीजिए अच्छे से। उससे आपके बालों में डैमेज ज्यादा नहीं होगा, कलर ज्यादा नहीं जाएगा, आपको वॉश करने में भी आसानी होगी और कलर भी आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।